Myself is Dr. Mamta Sharma, Associate Professor, Government College, Behror. प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा व्याख्यान BA Part 3 का फर्स्ट पेपर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है. इसके अंतर्गत हम संत थॉमस एक्विनास के बारे में जानेंगे. संत थॉमस एक्विनास मध्य युग का सबसे महान राजनीतिक चिंतक था. मध्यकाल के दार्शनिकों में संत थॉमस एक्विनास का स्थान सर्वोपरि इसलिए है क्योंकि उसने अनेक परस्पर विरोधी तत्वों और सिद्धांतों में समन्वय स्थापित करके उन्हें एक पद्धति का रूप प्रदान करने का प्रयास किया. संत थॉमस धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, दर्शनशास्त्र और राजनीति शास्त्र का श्रेष्ठ विद्वान माना जाता था. उनकी राजनीतिक बुद्धि का प्रमाण इस बात से मिलता है कि बड़े बड़े नरेश उसके शासकों के कर्तव्यों को बताने की प्रार्थना करते थे. पोप ने अनेक अवसरों पर धर्म संबंधी कठिनाइयां उपस्थित होने पर उनकी सलाह ली और प्रत्येक अवसर पर उनकी सलाह उपयोगी सिद्ध हुई. संत थॉमस एक्विनास के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने कई मेजर वर्क्स के आधार पर अपनी रचनाएं की, जिसके अंतर्गत हम एथिक्स, पॉलिटिक्स ऑन किंगशिप, सुम्मा थियोलॉजिका और द रूल ऑफ प्रिंसेस, ये रचनाएं थॉमस एक्विनास की है और इन रचनाओं के आधार पर ही उन्होंने अपने राजनीति चिंतक को एक आधार बनाया और अपने विचारों को उसी आधार पर प्रतिपादित किया. थॉमस एक्विनास के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो मेथडोलॉजी थी, दिस मेथडोलॉजी इज बेस्ड ऑन सिंथेसिस, अर्थात इस अरिस्टोटल और ऑगस्टाइन इन दोनों आचार्यों के आधार इन दोनों आचार्यों को ही उन्होंने अपने दृष्टिकोण के अंतर्गत एक समन्वयवादी रूप में प्रस्तुत किया. अरिस्टो से उन्होंने विवेक को ग्रहण किया और ऑगस्टाइन के विश्वास पर जोर देता. कहने का अभिप्राय है कि एक्विनास ने अरिस्टो की बातों को सही मानते हुए भी अंतिम सत्य नहीं मानता था. वह यह समझता था कि ईसाई धर्म द्वारा प्रतिपादित सत्य उस ज्ञान को पूरा करने वाला है. उसने प्राचीन यूनान की बुद्धिवादी विचारधारा का ईश्वरीय ज्ञान पर बल देने वाली ईसाई विचारधारा के साथ में समन्वय किया. अतः संत थॉमस एक्विनास ने अपनी इसी विचारधारा के आधार पर उनके दर्शन का मूल मंत्र सिंथेसिस पर आधारित था. इस सिंथेसिस के आधार पर ही थॉमस एक्विनास का यह मानना था कि सार्वभौमिक संश्लेषण तथा सार्वजनिक सर्वांगीण विकास का ये दर्शन है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि संपूर्ण मानव ज्ञान एक ऐसे पिरामिड के समान है जिसका आधार अनेक विशिष्ट विज्ञानों से मिलकर बना है, जिसमें प्रत्येक का अपना एक विशेष विषय है. इन सब के ऊपर दर्शन है जो एक बुद्धि संगत शास्त्र है और समस्त विद्वानों के सार्वभौमिक सिद्धांतों की रचना का प्रयास करता है. यूनानी दार्शनिक बुद्धि तथा विवेक को दर्शन का सर्वोत्कृष्ट साधन समझते थे और दर्शन को ज्ञान का आधार बतलाते थे. एक्विनास एक कदम आगे बढ़कर दर्शन और बुद्धि के ऊपर धर्मशास्त्र को मानता है, जिसकी साधन श्रद्धा और अंतर्ज्ञान है, विवेक नहीं. अर्थात उनके मन में ईसाई धर्मशास्त्र संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की पराकाष्ठा है. इसके साथ एक्विनास के अपने कुछ पॉलिटिकल थिंकिंग थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने निम्न राजनीति विचार प्रस्तुत किए. नंबर 1, राज्य संबंधी विचार.
एक्विनास ने अपने राज्य संबंधी विचारों को अपनी कृति सुम्मा थियोलॉजिका में प्रस्तुत किया। उसने सर्वप्रथम संत ऑगस्टाइन के विचारों को प्रस्तुत किया और उनको राज्य के औचित्य विषयक अरस्तु के तर्क के अनुसार संशोधित करने का प्रयास किया। ऑगस्टाइन आदि ईसाई विचारकों का यह मत था कि मनुष्य के आरंभिक पाप के कारण राज्य संपत्ति और दास प्रथा की उत्पत्ति हुई। एक्विनास ने इसके सर्वथा विपरीत अरस्तु का अनुसरण करते हुए यह कहा है कि राज्य और संपत्ति मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। यदि मनुष्य का पतन न हुआ होता तो वे मानव समाज में पाई जाती। अरस्तु के मौलिक सिद्धांत को अपनाते हुए उन्होंने यह सिद्ध किया कि मनुष्य अपने स्वभाव के कारण सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है और उसकी सामाजिक सत्ता सबके कल्याण के लिए राज्य को आवश्यक बना देती है। नंबर 2, शासन प्रणालियों का वर्गीकरण। एक्विनास ने अपने चिंतन के अंतर्गत शासन के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण किया है। राज्य के विभिन्न रूपों के संबंध में अरस्तु के विचारों के अनुरूप विचार व्यक्त करते हुए सत थॉमस एक्विनास से मानता है कि राजनीतिक सत्ता के जो स्वरूप समष्टि के हित साधन को अपना लक्ष्य बनाकर चलते हैं वे उत्तम है। इसके प्रतिकूल जो शासन स्वार्थ सिद्धि के लिए लक्ष्य को अपना कर चलते हैं वे निकृष्ट है। इसके अंतर्गत राजतंत्र और प्रजातंत्र शासन प्रणाली में अरस्तु का झुकाव प्रजातंत्र की ओर था, किंतु एक्विनास ने राजतंत्र का समर्थन किया। एक्विनास का यह मानना था कि समाज की सबसे बड़ी भलाई इस बात में है कि उसमें एकता और शांति बनी रहे, और इस संबंध में उसने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में प्रतिपादित किया। नंबर 3, शासक के कर्तव्य। थॉमस का झुकाव राजतंत्र की ओर है। राजा की परिभाषा देते हुए वह कहता है कि राजा वह है जो एक नगर अथवा प्रांत के अनेक निवासियों पर शासन करता है और यह शासन वह सार्वजनिक हित में करता है। इसलिए सोलोमन कहते हैं कि राजा उसके अधीनस्थ समस्त पृथ्वी पर शासन करता है, परंतु इसकी प्रमुख शर्त यह है कि इसके द्वारा वह ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जो मानव समुदाय के लिए अच्छे जीवन को संभव बना सके। तत्पश्चात नंबर 4, सरकार के कार्य। एक्विनास ने राज्य सरकार अथवा शासक के निम्नलिखित कार्य निर्धारित किए। नंबर 1, शासक को राज्य में जीवन को नियमित करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। नंबर 2, उसके द्वारा भारी शत्रुओं और आक्रांताओं से अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा की जानी चाहिए। संक्षेप में अरस्तु के दृष्टिकोण से मिलता जुलता सरकार के कार्यों के विषय में संत थॉमस का विचार यह है कि शासक को अपनी प्रजा में सही ढंग से जीवन की स्थापना तथा निर्वाह की व्यवस्था करना समुचित होगा। तत्पश्चात संपत्ति संबंधी विचार। अरस्तु के समान थॉमस का व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करता है और उसे मानव जीवन के लिए आवश्यक मानता है, लेकिन संपत्ति के उपयोग के प्रश्न पर उसके विचार प्रकट किया है मनुष्य को संपत्ति का उपयोग व्यक्तिगत आधार पर न करके सम्मिलित आधार पर करना चाहिए। संपत्ति के सामूहिक उपयोग का यह विचार उसके जीवन की धार्मिक पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। संपत्ति संबंधी व्यवस्थाओं को उसने प्राकृतिक कानून के अंतर्गत न रखकर मानवीय कानून के अंतर्गत माना है। इसके पश्चात दासता संबंधी विचार। अरस्तु ने दास प्रथा को प्राकृतिक संस्था कहा है एवं दासत्व को प्रकृतिजन्य घोषित किया है। संत थॉमस ने दासत्व की एक संस्था के रूप में स्वीकार तो किया है, किंतु उसके विचार अरस्तु और ऑगस्टाइन से मेल नहीं खाते। थॉमस का यह मानना है कि दासता का भय दिखाकर वह सैनिकों में निडरता एवं साहस का संचार करे। सैनिक युद्ध क्षेत्र में दास बनाए जाने के भय से वीरता और साहस को लड़कर विजेता बनाने का प्रयत्न करते। इस मत के समर्थन में एक्विनास ने इतिहास और ओल्ड टेस्टामेंट की
डिस्ट्रोनॉमी नामक पुस्तक में इसके बारे में बताया। नेक्स्ट, राज्य तथा चर्च। एक्विनास ने चर्च को सामाजिक संगठन का मुकुट माना है, इस प्रकार उन्होंने राज्य में उसे ऊंचा स्थान दिया है और उसने मानव जीवन के दो लक्ष्य बताए हैं, भौतिक सुख की प्राप्ति तथा परलौकिक सुख की प्राप्ति। तत्पश्चात एक्विनास ने अपने राजनीति चिंतन में कानून संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया है। इसके अंतर्गत एक्विनास ने